चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल हम लेंगे ये ईमेल के जरिए। अशोक हेगड़े जी का सवाल है और काफी रेलेवेंट है आज के संदर्भ में, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि LIC पॉलिसीज का इन्होंने एडवर्टीजमेंट देखा है और कई समय से सुन रहे हैं कि पॉलिसीज विड्रॉ होने वाली है। इसका एक्चुअली में क्या मायने हैं, क्या अर्थ है इसके, और जैसे इन्होंने अपने सवाल में मेंशन किया है कि क्या सभी जो मौजूदा पॉलिसीज हैं, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, क्या सभी पॉलिसीज विड्रॉ हो जाएंगे या ये चुनिंदा कैटेगरीज के लिए ये ऑप्शन है? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि IRDA की जो गाइडलाइंस है, जो 30 सितंबर को इफेक्ट में आने वाली थी, वो 3 महीना एक्सटेंड कर दी। तो 31 दिसंबर के बाद में जितनी भी नॉन यूलिप और जो नॉन टर्म प्लान्स है, जो ट्रेडिशनल प्लान्स है, जैसे होल लाइफ है, मनी बैक पॉलिसी है, एंडोमेंट पॉलिसी है, वो सब इंश्योरेंस कंपनी को विड्रॉ करने के लिए कहा गया है और उसकी जगह पे नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने का बोला गया है। और जो नए प्रोडक्ट जो मार्केट में आए हैं, वो जो क्लाइंट हैं उनके लिए ज़्यादा फ्रेंडली है। उसमें जैसे जो रिस्क कवरेज है वो बढ़ा दिया गया है और जो एजेंट का कमीशन वगैरह है वो उस ढंग से किया गया है कि उसके लिए इंसेंटिव नहीं रहेगी बार बार नई पॉलिसी पुरानी सरेंडर करवा के नई पॉलिसी इश्यू करवाने की। जी साथी, अगर सिर्फ LIC की भी बात करें बलवंत साहब, तो हम जैसे कि जानते हैं कि पिछले साल भी काफ़ी सारी पॉलिसीज LIC ने विड्रॉ करी और इसने एडवर्टीजमेंट भी देने शुरू किए टेलीविजन के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, इस तरह के एड्स भी, यानी पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। लेकिन क्योंकि ये एक सेंसिटिव मैटर है और जाहिर है कि जो ऑलरेडी मौजूदा निवेशक हैं, जिन्होंने ऑलरेडी पॉलिसीज खरीदी हुई हैं, उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट खबर है। साथ ही जो नई पॉलिसीज लेना चाह रहे हैं उनके बीच में कोई अगर कन्फ्यूजन ना रहे, उसके लिए हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा ये क्लैरिफाई कर पाएं कि अब जो मार्केट में नई पॉलिसीज आएंगी वो पुरानी पॉलिसी से कैसे अलग होंगी? देखिए, मैंने जैसे बताया ना कि जो पुरानी पॉलिसी जो ले चुके हैं उनकी तो कंटिन्यू रहेगी, और जिसको नई पॉलिसी खरीदनी है उनके लिए जैसे LIC ने नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की है, और जो IRDA की गाइडलाइंस है उसमें जैसे जो रिस्क कवरेज है वो बढ़ा दिया गया है, और इसके अलावा जो जो कमीशन मिलता है एजेंट को उसको इस ढंग से बनाया गया है जिससे जो एजेंट है उसके लिए इंसेंटिव नहीं रहेगा कि पॉलिसी सरेंडर करवा दे और नई पॉलिसी निकलवा दे। नहीं तो नॉर्मली एजेंट क्या करते हैं, जैसे 5-7 साल हो गए तो एक पॉलिसी सरेंडर करवा देते हैं और नई पॉलिसी खरीदने को इंड्यूस करते हैं क्लाइंट को। चलिए, तो एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, इनफैक्ट ये इफेक्टिव भी हो चुका है, कुछ रिवाइज पॉलिसीज भी आएंगी, कुछ कैटेगरीज में भी बदलाव होंगे। इसी तो चर्चा इस पर हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हमारे साथ अब जो फोन लाइन पर है मिलिंद नावडेकर जी पुणे से मौजूद हैं।